हेलो बच्चों, सो कंटिन्यूइंग विद सीबीएसई सर्जिकल स्ट्राइक। यस आई नो आई हैव अ माइक ऑन बिकॉज लास्ट टाइम फ्यू स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग कि भैया थोड़ा सा वॉइस अच्छा नहीं है। सो आई हैव अरेंज्ड फॉर अ माइक एंड वी आर गिविंग इट अ ट्राई। सो प्लीज डू टेल मी वेदर द नॉइज वॉज प्रॉपरली कैंसल्ड एंड द वॉइस वॉज प्रीटी बेटर फ्रॉम द लास्ट टाइम और नॉट। राइट, सो वेयर वर वी? वी वर डूइंग द लास्ट थिंग, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन preparation. The basic structures were completed. If you remember, I can just scroll down the last few pages, right? So we did this basic structure nomenclature part first, and then we moved on to the preparation part, right? Continuing with the preparation, we finished with Pittard reaction. So this is where we ended up. Now continuing with the properties, the basic properties, right, that the aldehyde ketones do have. Again, a very important topic. So today we'll try and finish all the physical and chemical properties. So the first thing to be discussed is physical properties. Now be with me, focus, right, put your energy right here. Physical properties, yaar hamare paas C double bond O group aapko dikh raha hai, C double bond O, no chance of hydrogen bonding, no H bonding, right, no H bond with its own type, apne aap se nahi bana sakta with its own kind, matlab आपका एल्डिहाइड एल्डिहाइड से कीटोन कीटोन से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, बट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, कैन फॉर्म एच बॉन्ड विद वाटर। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हाट हैपेंस इज कार्बोनिल्स हैव लोअर बीपी देन अल्कोहल्स। एल्कोहल्स में यार हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती, राइट, एल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, बट सिमिलर सॉल्युबिलिटीज ऐसा क्यों बेटा? यार हमने कार्बोनिल को कार्बोनिल से देखा तो ठीक, कार्बोनिल एंड कार्बोनिल कैन नॉट डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट अ कार्बोनिल एंड अ वाटर मॉलिक्यूल कैन डू। सो एल्कोहल्स की तुलना में अगर आप देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होंगे, बट सॉल्युबिलिटी लगभग लगभग एक जैसी सी होगी, राइट? छोटे एल्कोहल्स से, बड़े एल्कोहल से, किसी से भी तुलना करें, एल्डिहाइड कीटोन्स का जनरली बॉइलिंग पॉइंट कम ही आएगा, इनका खुद का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। द रीजन बीइंग, क्योंकि आपने साइज एंड मास बढ़ाया, साइज एंड मास बढ़ाया तो आपको बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है जी। देन छोटे जो कार्बोनिल्स होते हैं दे आर बिट बिटर, ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो थोड़ा स्वीट एंड प्लेजेंट भी होते जाते हैं। दिस इज वन मोर एडिशनल नॉलेज दैट वी नीड। देन द केमिकल प्रॉपर्टीज, द इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन वी आर सेइंग केमिकल प्रॉपर्टीज, आप जरा स्ट्रक्चर देखिए, इसकी स्ट्रक्चर में ही इसकी प्रॉपर्टीज का राज छुपा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज, वी हैव सी डबल बॉन्ड ओ, पोलैरिटीज असाइन करिए, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, पाई बॉन्ड किस तरफ खुलता हुआ नजर आएगा आपको, O की तरफ, दैट मीन्स दिस थिंग इज ससेप्टेबल टू बी अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल बड़ी ही आसानी से आके अटैक करके पाई बॉन्ड खोल सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ H प्लस। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी द जनरल वे दैट द कार्बोनिल्स डू रिएक्ट, राइट। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब आप कराने जा रहे हैं तो इन दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल बी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी, यार अब अगर मेरा RDS ही अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है तो मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा अरेंज करना है कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ जाए, आसानी से आ जाए तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको यहां देखने पड़ेंगे, स्टेरिक फैक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, ठीक है जी, स्टेरिक फैक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। अब स्टेरिक फैक्टर्स क्या कहते हैं बेटा? स्टेरिक फैक्टर्स कहेंगे कि ये जो कार्बोनिल के आसपास ग्रुप्स हैं, आप क्या चाहेंगे? छोटे ग्रुप्स लगे होने चाहिए, आपका सी डबल बॉन्ड ओ जो है उसके आसपास के ग्रुप जो है दे शुड बी स्मॉल इन साइज, राइट, एंड दे शुड नॉट बी गिविंग। यार अगर वो स्मॉल होंगे अप्रोचेबिलिटी आसान होगी। आप एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को लेके चले थे जिसे आप sp3 बनाने जा रहे हैं, यहां पे बेटा कार्बोनिल sp2 राइट बनता गया है sp3, तो अब हम कर क्या रहे हैं? हमने sp2 से sp3 बनाया, ठीक है जी, ट्राइमिनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल पे ले गए हैं। स्टेरिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, भीड़ भाड़ कम चाहिए,
अप्रोचेबिलिटी बेहतर रखने के लिए. हेंस रिएक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्रोचेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल. Approachability of C double bond. ठीक, और यू कैन से inversely proportional to steric factors. Steric hindrance around C double bond. छोटे ग्रुप चाहिए हमें, हमें बड़े ग्रुप नहीं लगाने. ठीक है जी. दूसरी चीज, reactivity will be inversely proportional to electron giving power of groups attached. अच्छा आप बताइए, अगर वहां पे ग्रुप्स ऐसे लगे होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन गिविंग है, हमारे सी पे पॉजिटिव को देख के इस पॉजिटिव के प्रति आकर्षित होकर न्यूक्लियोफाइल बेचारा दौड़ता हुआ आ रहा था, हमने वहां पे ऐसा कुछ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगा दें, देने वाले ग्रुप लगा दे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट जाएगी, सी पे पॉजिटिव घट जाएगा. ठीक है जी. सी पे पॉजिटिव घट गया तो सी पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन गिविंग पावर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड विद सी डबल बॉन्ड ओ, नॉट गुड. ठीक है जी, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ सी डबल बॉन्ड. इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब वो बेटे सी के ऊपर का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, आसान हो जाएगा अटैक करना. ठीक है जी. कंबाइनिंग जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जितना छोटा जितना नॉन गिविंग उतना अच्छा. ठीक है जी. आप इसमें हाइड्रोजन से शुरू करें, यार हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है हमारा सबसे छोटी चीज होती है, तो हेंस सबसे अच्छा क्या हुआ, जब दोनों H लगे होंगे, फिर एक R और एक H, फिर दोनों R, क्या होता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, गिविंग इन्फ्लुएंस आता जा रहा है. एक तरफ बेंजीन लगा दे, एक तरफ बेंजीन और एक तरफ R लगा दे, दोनों तरफ बेंजीन लगा दे, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है. ठीक है जी. तो हमें अब जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी समझ आता है कि जैसे जैसे हम विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, गिविंग ग्रुप लगाएंगे रिएक्टिविटी घटेगी. तो अब यहाँ पे आपने दो एच लिए, ना गिविंग है ना विड्रॉइंग है, छोटे भी है. जैसे जैसे आर और एच बढ़ते जा रहे हैं, क्या दिख रहा है आप, गिविंग बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी. ठीक है जी. एक एग्जाम्पल आप इस तरीके का भी याद रख सकते हैं कि अगर आप बेंजल्डिहाइड के लिए देखते हैं, तो CHO पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू खाली CHO, राइट, और एज कम्पेयर टू अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. आइडिया समझ आ रहा है ना. हाँ, विड्रॉइंग ग्रुप यार अपनी तरफ खींचेगा ना. हाँ, C पे पॉजिटिव को बढ़ा रहा है, रिएक्टिविटी कम बढ़ा देगा. गिविंग आया तो क्या करेगा, वो पॉजिटिव को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डालने लग जाएगा. ठीक है जी. तो अब ये बेसिक हमें स्ट्रक्चर इसका समझ आ गया है, बेसिक रिएक्शन पैटर्न समझ आ गया है. तो अब क्या क्या रिएजेंट्स हैं जो हमें सीबीएसई के लिए ध्यान रखने हैं. पहला है बेटा एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड. ये HCN जो है हमारा आयनाइज करता नहीं है, तो इसको आयनाइज कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा NaOH डालना पड़ता है. तो HCN के साथ आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH डालेंगे, तो आपको यहां OH और यहां CN दिखेगा. दिस इज साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन. ठीक है जी. हो क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे. एज आई सेड बेटे, HCN होता है वीक एसिड, तो उसे तोड़ने के लिए हमने दिया HO माइनस, ताकि वो इक्विलिब्रियम बना के क्या करे, CN माइनस जनरेट कर सके. अब ये जो CN माइनस है, यही भाई साहब हमारे न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तेरा CN माइनस C को ढूंढता हुआ अटैक करेगा. ये C डबल बॉन्ड खुल गया, O पे माइनस CN H प्लस लगा दिया आपने O के माइनस पे. यार एरो का ध्यान रखा करो, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म से एरो हमेशा किस तरफ जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हो. साइनो हाइड्रेट CN एंड OH ग्रुप दोनों आ गए, एडिशन ऑफ साइनो हाइड्रेट. ठीक है जी. इसको हमें कराना किसमें, स्लाइटली बेसिक मीडियम में. ठीक. देन सेकेंड आया बेटे एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बाय सल्फाइड. ठीक है जी. इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमारा कार्बोनिल जो है NaHSO3 से रिएक्ट करेगा, और NaHSO3 से रिएक्ट करता हुआ वो आपको एक ऐसा एक कंपाउंड दिखाएगा SO3 माइनस,
ये जो कंपाउंड है जी, एक व्हाइट कलर का पीपीटी, सल्फाइड एडिशन के बाद आपको एक व्हाइट कलर का पीपीटी नजर आएगा, सोडियम बाइसल्फाइड के एडिशन से व्हाइट कलर का पीपीटी। आइडिया क्या बेटे, सोडियम बाइसल्फाइड इन इटसेल्फ इज अ एसिड भाई, इसके टुकड़े करके देखो ना, आपने क्या किया, Na प्लस HSO3 माइनस, ठीक, HSO3 माइनस के टुकड़े करके देखिए, H प्लस SO3 टू माइनस, राइट। तो अब इसके मैकेनिज्म में क्या है बेटा, कि आपने पहले कार्बोनिल के ऊपर क्योंकि मीडियम एसिडिक करा दिया, तो O का लोन पेयर आके उसे प्रोटोनेट होना एसिडिक मीडियम में आपने कर दिया। अब ये बॉन्ड और जल्दी खुलेगा, जब ये और जल्दी खुलेगा तो हमारे पास एक सल्फर के लोन पेयर से अटैक करने का चांस होगा, द लोन पेयर ऑफ सल्फर कैन अटैक गिविंग अस अ कंपाउंड लाइक दिस OH SO3 माइनस, ठीक है जी। सो दिस इज एडिशन ऑफ बाय सल्फाइड। इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है इसमें, नोट नंबर एक, बल्की कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट, आपका एक आधा छोटा मोटा जो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कीटोन है, जैसे कि आपका एसीटोन वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत रिएक्शन, अदरवाइज बाकी कीटोन्स रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल है मतलब क्या है, कि आपके पास ये जो फाइनल पीपीटी है ना, हाँ, इस व्हाइट पीपीटी के ऊपर आप एसिड डाल दीजिए, एसिड डाल के जब आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो आप देखेंगे वापस कार्बोनिल बन जाएगा, जो आपका SO3 वो हाइड्रोलाइज होके H2SO3 बन के बाहर चला जाएगा, ठीक है जी। कैन बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कैन बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सी दिस इज द ट्रिक, ये सर्जिकल स्ट्राइक है क्या, फटाफट कंसाइज तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट बता देना और समय कम लगाना है लेकिन कॉन्सेप्ट डेंसिटी ज्यादा रखते हुए। कैन बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, यार एज आई सेड एल्डिहाइड्स जल्दी रिएक्ट करते हैं ना, तो एल्डिहाइड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिक्स हो गए, आपने सोडियम बाइसल्फाइड डाला, प्रेसिपिटेट बना के वो बाहर आ गया। द बेस्ट पार्ट इज उस प्रेसिपिटेट को आप हाइड्रोलाइज करिए, जैसे ही आपने हाइड्रोलाइज किया वापस आपका एल्डिहाइड, ठीक है जी। मूविंग ऑन, एडिशन ऑफ एल्कोहल, जब आप एल्कोहल डालेंगे, ठीक, तो अब फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दो अलग अलग तरीके से इसको देखते हैं, फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। तो अब मैं एल्डिहाइड्स के लिए अगर आपको बताता हूं इसका, तो आर सी ओ एच, आप इक्विलिब्रियम में देखेंगे हमेशा स्टेप्स, ठीक है जी, आप डाल रहे हैं आर ओ एच एच प्लस, तो पहला आपको मिलेगा एल्कोक्सी एल्कोहल, दिस इज एल्कोक्सी एल्कोहल, राइट, दिस इज हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। आप कंटिन्यू कराएंगे तो आपको दूसरे OH की जगह भी OR दिखाई देगा बेटा, तो ये हुए डायल्कोक्सी, जेमिनल डायल्कोक्सी कंपाउंड जो बन गया, दिस इज कॉल्ड एज एसिटल, एल्कोक्सी एल्कोहल था, देन जेमिनल डायल्कोक्सी एसिड, ठीक है जी। तो अब इसी तरीके से अगर आप फॉर कीटोन्स लिखते, एज आई सेड कीटोन्स यार हमारे, हमने ऊपर ही देखा था, कम रिएक्टिव होते हैं, तो उनको रिएक्ट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना पड़ेगा तभी वो रिएक्ट करेंगे, एंड दैट एक्स्ट्रा इंसेंटिव हियर इज रिएक्शन विद अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, यार वो बेचारे रिएक्टिव नहीं है ना इतने, तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक पॉलीहाइड्रोक्सी, जैसे मैंने इथेन 1,2 डायोल विद एच प्लस डाला, तो आपको एक कंपाउंड दिखेगा जिसे हम इस तरीके का बना सकते हैं, दिस इज कीटल, तो आपके जो कीटोन्स हैं बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी दे डू नॉट रिएक्ट विद नॉर्मल अल्कोहल्स, दे रिएक्ट विद पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स फॉर्मिंग कीटल्स, ठीक है जी। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, आप बड़ी आसानी से जो आपने लगाया उसे हटा सकते हैं, ये आपका डायल्कोक्सी बन गया था बेटे एल्डिहाइड वाला, उसके आप H प्लस एच टू ओ डाल दीजिए, आप जैसे ही H प्लस एच टू ओ डालेंगे ये वापस
एल्डिहाइड, वो दोनों एल्कोहल अलग। इसी तरीके से जो आपका कीटल था, ये आपका कीटल हो गया, इसके ऊपर भी आप H+H2 डालिए तो आपका कीटोन अलग और आपका डायोल अलग। तो रिएक्शन बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है जी। रिएक्शन इज ड्रिवन फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड ले जाने के लिए क्या करेंगे, ड्रिवन फॉरवर्ड बाय यूजिंग एक्सेस एल्कोहल, ठीक है जी। आप एक्सेस एल्कोहल लेंगे एंड ड्राई HCl, यार क्योंकि H+H2 डालने से तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाता है, तो अगर आपको फॉरवर्ड ड्राइव करानी है तो क्या यूज करना है बेटा, हाँ एक्सेस ऑफ एल्कोहल एंड ड्राई HCl। तो ये हुआ बेटे एडिशन ऑफ एल्कोहल, राइट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, द फोर्थ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया क्या होता है बेटे, NH3, उसके अंदर अब आपने एक चेंज किया उसके स्ट्रक्चर में, एक H की जगह एक कंपाउंड का कोई एक पार्ट आपने जोड़ दिया, तो मैंने इसको NH2Z बोल दिया। अब ये NH2Z है क्या और क्या करेगा, ठीक, हमारे पास कार्बोनिल है, साइटली एसिडिक मीडियम बनाते हुए हमने NH2Z with H+ डाला, तो हमें पहले एक कंपाउंड ऐसा कुछ मिलेगा, ये OH NHZ, ठीक। बट दिस रिएक्शन इज ड्रिवन फॉरवर्ड बाय अ इंस्टेंट डिहाइड्रेशन टू गिव अस C डबल बॉन्ड NZ, ठीक। तो ये हुआ एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव का जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब आप इसको देखिए कि NH2Z क्या हो सकता है, ठीक है जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, जैसे कि अगर आपने यहां अमोनिया लिया तो अमोनिया लेने पे जो बनेगा ये इमाइन बना, यदि आपने RNH2 लिया तो RNH2 जो बनेगा ये हुआ एल्काइल इमाइन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट्स बेस, शिफ्ट्स बेस दैट इज ऑल्सो इमाइन बट वो R सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, राइट। तो अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखते जाएं तो यहां पे इमाइन C डबल बॉन्ड NR, इसी तरीके से NH2OH लेने पे ऑक्साइम बनेगा C डबल बॉन्ड NOH, हाइड्रोजीन NH2NH2, हाइड्रोजीन लेने पे, ठीक है जी, हाइड्रोजीन आपने लिया तो आपको हाइड्रोजोन मिलेंगे, हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन NH2NH pH, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्रोजीन, तो फिनाइल हाइड्रोजोन, बस नाम में फिनाइल ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। इसका एक बहुत ही पॉपुलर ब्रैडीज रिएजेंट या बॉश रिएजेंट DNPH, उसका मैं स्ट्रक्चर आपको ऐसे खोल के पूरा बना के दिखाता हूँ, दिस इज NH2 24 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, दिस इज 24 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो इससे आपको एक ये इस तरीके का कंपाउंड बनता हुआ नजर आएगा, दिस इज 24 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन शोइंग द रिएक्शन, राइट। दिस कंपाउंड इज अ येलो ऑरेंज PPT, आपने स्कूल में भी किया होगा ना DNPH टेस्ट, राइट। सो दिस इज DNPH। नाउ एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो ये डिटेक्शन टेस्ट के लिए यूज हो सकता है, इसके अलावा आपको एक याद रखना है सेमी कार्बेजाइड, दिस इज सेमी कार्बेजाइड, द प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन में मतलब आपका एडिशन जो हुआ वो उस N के लोन पेयर से होगा जो आप रेजोनेंस में यूज नहीं कर रहे, यार ऑब्वियस ही बात है ना, जिसका रेजोनेंस में, जैसे आप फिनाइल हाइड्रोजन में भी देखिए मैंने NH2 का यूज किया, NH का नहीं, इसी तरीके से सेमी कार्बेजाइड में भी इस NH2 का नहीं, इस वाले NH2 का करेंगे, इस NH2 का, ठीक है जी, इसका नहीं करना है, ऐसे इसमें इसका करना है, इसका नहीं करना है, ठीक बात है जी। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानकारी अबाउट एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव क्या क्या निकल के आई है जो हमें ध्यान रखना है, नोट
रिएक्शन इज रिवर्सिबल, अभी भी रिएक्शन रिवर्सिबल है, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव के बाद बनाया गया कंपाउंड C डबल बॉन्ड NZ आसानी से हाइड्रोलाइज होता हुआ वापस आपको कार्बोनिल दे देगा और उसका अमोनिया डेरिवेटिव अलग हो जाएगा. कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एक कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव करा के. तो जब भी कोई कंपाउंड एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव दे रहा है तो दैट मीन्स पक्का है कि जो वो कार्बोनिल है. कैरिड आउट इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, कैरिड आउट इन अराउंड पीएच 5 यू कैन से स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ही कराया जाएगा. सो ये क्या हुआ बेटे, दिस इज नाउ एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव राइट. Now these were the important nucleophilic addition reaction that we have to deal with for carbonyl compound. Then next thing is, next important set of reactions are called as oxidation. Ab oxidation mein bhi main isko agar split karu for aldehydes to hame kya kya isme use karna hai. Ek hua tollens reagent, tollens reagent माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है जी, टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है बेटे, हमारे पास RCHO जो है, RCHO विल रिएक्ट विद AgNO3 इन NH4OH. AgNO3 NH4OH के साथ एक ऑक्सीडेशन कराता हुआ RCO माइनस बन जाएगा एंड सिल्वर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर. इसे आपने लैब में सिल्वर मिरर टेस्ट नाम से भी यूज करना है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, सिल्वर मिरर टेस्ट. ठीक है जी, इसी तरीके से आप कर सकते हैं फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन. अगर आपने RCHO के ऊपर एल्कलाइन कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, ठीक, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट के साथ आप रोशेल सॉल्ट भी डालेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. ठीक है जी, अगर आप ऐसी बेनेडिक्ट यूज करते हैं दैट विल बी सोडियम पोटेशियम सिट्रेट. जेस्ट ऑफ द थिंग इज कि आपका एक रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा बेटे. ये दो एकदम मिलते जुलते से रिएजेंट है, फैलिंग एंड बेनेडिक्ट. यहाँ पे आप कॉपर सल्फेट एल्कलाइन ले रहे हैं, वहां पे भी आप एल्कलाइन कॉपर सल्फेट लेंगे, वहां होगा सोडियम पोटेशियम सिट्रेट. यहाँ क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. सीबीएसई लेवल पे इसका कुछ ज्यादा यूज है नहीं, बट स्टिल नाम पता होना चाहिए. ठीक है जी, रोशेल सॉल्ट. तो ये डिटेक्शन क्राइटेरिया हो गया, दिस इज फॉर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के टेस्ट है. इसी तरीके से अगर आपने एल्डिहाइड पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले जैसे कि KMnO4H+ या आप K2Cr27 का भी यूज कर सकते थे, तो KMnO4 K2Cr27 ये क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड को एसिड बना के देने वाले. सो दिस वॉज फॉर एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन रिलेटेड टू एल्डिहाइड. नाउ फॉर कीटोन्स देयर इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज. एज कीटोन्स आर नॉट वेरी इजिली ऑक्सीडाइज, सो वट वी डू इज वी स्ट्रॉन्गली हीट देम विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, KMnO4H+ हीट, तो आप देखेंगे जो CO है वो हमेशा छोटे के साथ जाएगा. छोटे एज इन देखिए, एक तरफ R+1 था, दिस वॉज R+1 कार्बन राइट, दिस वॉज ओनली R कार्बन. तो अब मैं इसे दो RCOH बनाने वाला हूँ. इसका एक रूल का नाम भी होता है, ठीक है, CBSE के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक, नाम इज पॉप ऑफ रूल for those who remember, fine, otherwise CBSE के लिए it's not required. So this is cleavage, right? Oxidative cleavage of ketones by using strong oxidizing agent. अब आप ये देखिए, ये मैंने डाला KMnO4, अब KMnO4H, अब heat करिए, फिर से क्या होगा, ये यहां से कट, CO goes with smaller of the chain parts. So this is the oxidation related to carbonyl compounds. Continuing with the reactions, we come to reduction. In reduction, we need to remember Clemmensen reduction. In Clemmensen reduction, we are treating carbonyl compounds with zinc amalgam and HCl. Zinc amalgam and HCl will change it to a alkane. Zinc amalgam HCl बेटे एक अच्छा metal proton donor combination है, एक अच्छा reducing agent है. तो it will reduce it to alkane. Then similarly,
In the reduction part, we can discuss Wolff-Kishner reaction. Wolff-Kishner reaction. Wolff-Kishner reaction kya hai? थोड़ी बहुत reactions जो हैं वो नाम के साथ याद रखिए, काम आएंगी. NH2 KOH glycol. NH2 KOH glycol. Again a very good reducing agent. We will reduce it to alkane, right? Red phosphorus HI. Red phosphorus and HI. A very strong reducing agent. We reduce it to alkane. So ये सारी alkane बनाने के तरीके हैं. ठीक है? They are all reduction. Similarly, you could have used H2NiPTPD. H2 with Ni, Pt or Pd. These things will restrict it to alcohol. Reduction तो हो रहा है, but अब की बार सिर्फ alcohol तक. इसी तरीके से अगर आप use करते हैं NaBH4 या फिर LiLH4. NaBH4 या फिर LiLH4, ये भी reduce करेंगे बेटा, but ये भी alcohol तक. So this is the next category of reactions, that is reduction. Clemmensen, Wolff-Kishner, Red phosphorus HI. क्या बनाएंगे? Alkane. H2NiPTPD. Sodium borohydride LiLH4 will convert it to alcohol, right? Then next set of reaction is reaction in which acidic hydrogens are involved. Aldol condensation. Aldol condensation है क्या बेटे? Prerequisite क्या है? Prerequisite है बेटा कि हमारे पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है. 2CH3CHO एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, राइट? दे विल रिएक्ट विद ईच अदर. एक ही मॉलिक्यूल आपने लिया है ना, ये देखिए एक ही रिएक्टेंट है, उसके दो मोल, तो ये बना. दिस विल बी नॉमेनक्लेचर वाइज क्या हो गया बेटा? नॉमेनक्लेचर जरूर करना यार. 3-hydroxybutanol. 3-hydroxybutanol, ald for aldehyde, all for OH, aldol. इसको अब आप dehydrate कर दें अगर HO minus heat में, तो this becomes CH3CH double bond CH CHO, right? अब इसका नाम अगर हम करें तो क्या हो गया? ये but 2-in-1-al, ठीक है जी, 2-in-1-al. क्रोटोन एल्डिहाइड नाम इसका, क्रोटोन एल्डिहाइड भी होता है. सो अब आपने किया क्या? आपने एक्चुअली किया एक कंडेंसेशन रिएक्शन जिसकी शुरुआत हुई एक एसिडिक हाइड्रोजन के निकालने से. यार हम CH3 का माइनस निकाल सकते हैं, ये देखिए बिकॉज इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. दिस गोज एन अटैक हियर एंड दिस इज हाउ यू एंड अप गेटिंग एल्डोल, राइट? सो द आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट द एसिटिक हाइड्रोजन, फॉर्म अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट अटैक्स ऑन इट्स ओन काइंड. सिमिलरली हैड यू यूज्ड टू ऑफ acetone molecule and let's say barium hydroxide was used as a base, so it becomes ketone. Right, this was an aldol, this is a ketone, but again the popular name is aldone only. So the idea is a condensation reaction in which condensation reaction, yes, दो को छुपा का आप छिपा रहे ना, हाँ, condensation reaction only for those carbonyl compounds which have a acidic alpha hydrogen. Alpha position, ये this is alpha, right? This is alpha. तो यहाँ से आपने acidic alpha hydrogen निकाला, carbonyl बना के दूसरे पे attack कराया. So these were self aldol. ये जो भी आपने cases करी, ये क्या थे? Self aldol. Similarly there could be a case of cross aldol. Now what does cross aldol mean? यार अगर मैंने mixture ले लिया CH3CHO का, ठीक, एंड लेट्स से CH3COCH3 का, एंड ऑन दिस मिक्सचर इफ आई एम एडिंग एचओ माइनस, तो क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है, ये अपने आप पे अटैक करे,
वो अपने आप पे अटैक करे, राइट, ये एक दूसरे पे अटैक करे। अब सारी पॉसिबिलिटीज अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपको चार केसेस दिखाई देंगे, राइट। सो दीज आर द फोर पॉसिबल केसेस एंड प्रीटी मच इन द सेम ऑर्डर दे आर फॉर्म्ड। अगेन द रीजंस विल बी डेल्ट विद इन द जेई सर्जिकल स्ट्राइक। So pretty much this is the thing. Now if you see this and this, these are the results of self and alls. जिसने न्यूक्लियोफाइल बनाया उसने खुद ही पे अटैक करा, and these are the results of cross and alls. ठीक, cross and alls में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास एक ऐसी चीज है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन इवेंचुअली था ही नहीं, और आपने दूसरी चीज ऐसी ली जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था। तो आप देख सकते हैं बेंजीलडिहाइड में तो कोई अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है ही नहीं, ठीक है जी। CH3CHO से न्यूक्लियोफाइल बनाइए और उस पर अटैक करा दीजिए, तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो ये भी एक तरीके का क्रॉस एल्डोल, दिस इज ऑल्सो क्रॉस एल्डोल, राइट। इसी तरीके से हम ऐसा भी देख सकते थे, CHO ले लिया, राइट, इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब COCH3 यहां ले लेते हैं, ठीक है जी, एंड नाउ HO माइनस इज बीन एडेड, तो क्या होने वाला है यार, CH3 ये वाला जो है एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, यहां से बनाते हैं अब कार्बेनाइल और उसका अटैक करा देते हैं इसके ऊपर। तो ये हुआ बेटे CH3, ये आपका CH2, ये, सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ क्रॉस एल्डोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है जी। इसके JEE मेंस में भी बहुत अच्छे एप्लीकेशन है, नीट में भी, बट फॉर नाउ CBSE के लिए हम इतना ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को। देन कम्स कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन इज व्हाट, अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यह डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज खुद ही रिड्यूस भी होने जा रही है और ऑक्सीडाइज, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड्स। Without any acidic alpha H, जिसके अंदर acidic alpha H नहीं है वो जब disproportionate करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं जी, Cannizzaro, दो HCHO concentrated KOH या NOH में डाले गए, ठीक है जी, एक ऑक्सीडाइज होके एसिड का सॉल्ट बन गया, मैंने K plus लिख दिया, that means I am taking KOH, दूसरा रिड्यूस होके अल्कोहल बन गया, सो दिस इज कानिजारो, ठीक। इसी तरीके से अगर दो PHCHO होते तो HO माइनस डालने पे क्या हो जाता, अगेन एक ऑक्सीडाइज होके एसिड सॉल्ट बन जाता, बिकम्स एसिड सॉल्ट एंड द अदर रिड्यूसेस टू अ अल्कोहल, राइट। थोड़ा सा JEE मेंस और नीट का ट्रेलर देख लेते, पंगे लेते रहना चाहिए यार बीच बीच में, अपनी खुद की होप्स हाई रखो यार, अपने पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो कोई आप पे विश्वास क्यों करेगा, आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत क्यों करेगा, राइट। सो थोड़ा बहुत मिर्ची तड़का चलते रहना चाहिए। हेंस यहां अगर हम देखें तो फॉर्मल्डिहाइड जो होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और बेंजल्डिहाइड हमेशा रिड्यूस। इट्स ऑलवेज लाइक दिस, नेवर द अदर वे अराउंड, बेंजल्डिहाइड नेवर गेट्स ऑक्सीडाइज, ठीक है जी। आप इसको अभी के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज, सो दिस इज कानिजारो रिएक्शन। देन द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डील विद इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यार राइटिंग थोड़ी सी ना गड़बड़ हो जाती कई बार, जल्दी लिखना पड़ता है ना आप लोगों के साथ साथ समझाते हुए एकदम, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द बैड हैंड राइटिंग दैट एट टाइम्स I couldn't write the way I was supposed to be, right? तो electrophile डाला यार, CHO क्या है भाई, minus R वाला group है, withdrawing group है, meta पे substitution होगा। कोई भी आप electrophile डालेंगे, electrophile कहाँ जाएगा बेटे, meta position पे, COCH3 पे डालिए, electrophile डालिए। E plus signifies any of the electrophile, right? हमने पहले भी ethers में भी आपने देखा होगा, मैंने बनाए थे last में, right? तो electrophile combination आप use कर रहे हैं, जैसे कि अगर Cl2 HCl3 होता तो Cl meta पे आ जाता,
फ्यूमिंग H2SO4 होता तो SO3 मेटा पे आ जाता, HNO3H2SO4 होता तो NO2 मेटा पे आ जाता, RCl3 होता तो R मेटा पे आ जाता एंड सो ऑन. सो दीज वर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, राइट. सो प्रीटी मच दिस इज इट. दिस इज दीज आर दी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. टू सॉर्ट ऑफ रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे राइट फ्रॉम द रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इफ आई डिस्कस, सी after the preparations were done on heat-add reaction, we started doing the physical properties, then coming to chemical properties, general order of reactivity, addition of HCN kiya, sodium bisulfite kiya, alcohol kiya, ammonia derivative, sabke important points notes saath discuss karte ja rahe. This is the beauty, surgical strike being very surgical, like a doctor. Doctor never makes a haywire cut here and there, right? And I am the surgeon here and I'm not putting any effort wasted. I'm going to make you do the things which you are supposed to do. That's all, nothing else. And you can check, we have pretty much covered all the grounds. Then oxidation, then oxidative cleavage, moving on to the reduction possibilities. A few extra things have been discussed, but that's again, as I said, we got to bear a bit of weight on our shoulders to make them strong. Then following to the aldols, the cross aldols, going to the anisaros and ending up with electrophilic aromatic substitution. So pretty much this is the thing with the carbonyl compounds. Now you guys need to do the work that is required. Please make sure that each and everything of NCERT has been attempted. NCERT example has been attempted, right? And the last 10-year question papers have been attempted. Next video would be on the carbonyl only, and that would be about the important questions of the carbonyl that we are supposed to discuss, right? So this is it for now. Thank you so much. And please do like, subscribe, and share. Thank you so much.